वो कह रहे हैं कि उनकी रिपोर्टें जो है सारे काम हो रही है, ऐसा नहीं है, नहीं हो रहा सारे काम है। मैं एलटी हूँ, मुझे पता है कि क्या काम होती है और क्या नहीं होता है। एलपीए का फॉर्म होता है वो एलटी भरता है, एक होता है एमडी आई का एलपीए फॉर्म होता है वो भी होता है जो टॉट प्रोवाइडर भरता है। ये दोनों नहीं भरे जा रहे हैं, ये दोनों एमडीआई सस्पेक्टेड होते हैं, ये नहीं भरे जा रहे हैं। हम सब यहाँ हैं तो कौन भर रहा है? एंट्री उसकी दो तीन जगह होती है, सारे यहाँ हैं तो कौन भर रहा है? कौन कर रहा है काम? कोई तो है नहीं, वहाँ लॉक लगा हुआ है। मैं जिस कमरे में काम करता हूँ वहाँ लॉक लगी हुई है, वहाँ कोई काम नहीं कर रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि सारे काम इनके हो रही है, कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, ये तो भगवान जाने या ये जाने। और वहाँ जो एनजीओ हैं या और भी जो स्टाफ उन्होंने जो अरेंज किया है, उन्हें फॉर्म एलपीए पता ही नहीं है और ना ही भरने आता है। मैं 100% लिख के भी दे सकता हूँ, वो भरवा के देख लें, वो नहीं भरने आता है उनको फॉर्म। एलपीए फॉर्म ही क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म भी मालूम नहीं होगा उनको। एलपीए का फुल फॉर्म क्या होता है नहीं मालूम उन्हें, फिर भी ये कह रहे हैं कि काम उनकी हो रही है। एमडीआर इतना सेंसिटिव है, एमडीआर से एक्सडीआर बढ़ रहे हैं टीवी के पेशेंट, कैसे ये ठीक होगा? मोदी जी कहते हैं 2025 तक मैं टीवी को ख़त्म कर दूंगा, कैसे ख़त्म करेंगे? सारे यहाँ बैठे हैं जो काम करते हैं। तो मैं इसीलिए मैं उनसे ही गुजारिश करता हूँ जो इतना डिले कर रहे हैं काम करने के लिए, मुझे पता है सेम बाय सेम पे वो देंगे और हम यहाँ से लेके जाएंगे। तो ये दिन क्यों इतना बढ़वा रहे हैं? जितना से जल्दी हो ये हमारे वो काम करके दें और मैं अपने अपने हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियों में जाए, अपना काम संभालें, काम करें। ये जो पेशेंट परेशान हो रहे हैं, एमडीआई के जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, काम नहीं होगा तो क्या होगा? टीवी के पेशेंट बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। इसी के साथ मैं आप लोगों को नारे लगवाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मैं कभी माइक नहीं पकड़ा, ये पहली बार माइक पकड़ा हूं। ठीक है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, सेम बार सेम पे, सेम बार सेम पे, सेम बार सेम पे, सेम बार सेम पे, ईट से ईट बजाना है, ईट से ईट बजाना है, ईट से ईट बजाना है। थैंक यू, जय हिंद।